What's up, kutti? I mean, ghodi. Always forget that. I see highlights. हमारी रेड की बात हुई थी और ये आपने रेनबो करा लिया है. ये सब आप वो विबग्यो और विहार वाले यूनिकॉर्न सक्सेना के फॉलो बैक के लिए कर रही हैं? गम नहीं आपूजा, ये मैंने फ्रेंडशिप डे के लिए कराया है. यू नो, हमारे सिग्नेचर सेल्फी के लिए हैशटैग अगले जन्म मुझे ऐसे ही BFF दीजो, जिसमें हम पाउट करते हैं, यू नो. पर तेरा तो बिना पाउट के भी पाउट रहता है. ग्रेट ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, बढ़िया ही. Anyway, तुझे तो पता ही है हमारे फ्रेंडशिप डे प्लान्स का. हम मूर्थल में जाके पराठे खाएंगे. तू अभी भी फ्रेंडशिप डे बाहर मनाने का सोच रही है? यार, वी हैड दिस टॉक, स्टे इनसाइड. खर्चा भी बचेगा और वैसे भी जो तेरी इंद्रधनुष अपार्टमेंट वाली फ्रेंड है जो कॉन्ट्री के टाइम पे बोलती है या आई PTM लेटर, 5 साल हो गए हैं, उसका बाद नहीं आया अभी तक. I know, Yakuza, पर long drive is a vibe, bro. और तो और ऋतिक फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह, अपनी गाड़ी से अपने हाथ बाहर निकाल के वेव्स बनाएंगे. वो स्पेन था, ये इंडिया है. यहाँ पर लोग गाड़ी से हाथ बाहर सिर्फ इंडिकेटर देने के लिए निकालते हैं, समझी? पर वो कमर पे हाथ रख के हाई ड्राइव खड़े होकर सेल्फीज लेना, और तो और आमने सामने बिचिंग करने का मजा ही कुछ और है. यार, that I also miss. पर अभी बाहर जाना इज वेरी स्कैरी, इन्फेक्शन का रियल खतरा है. और तेरे केस में तूने जो 250 ग्राम्स कम किया है लॉकडाउन में, उसका क्या? बाहर जाएगी तो तू अनहेल्दी खाएगी ना. हाँ, बट कुशा, हम मूर्थल में अपने घर का टिफिन लेकर जाएंगे और गाड़ी में बैठ के खाएंगे. वैसे भी वहाँ पे कहाँ ही सीट मिलनी है. यार, तू गधी नहीं है, तू घोड़ी है. इनफैक्ट तू घोड़ी भी नहीं है, यू आर अ फ्रिगन यूनिकॉर्न. यू कैन फार्ट रेनबोज आउट ऑफ योर एस. यार, तू जहां भी जाएगी माहौल खुद ब खुद बन जाएगा. यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर टू हैव फन. और हमारी फ्रेंडशिप इतनी वीक नहीं है कि एक पैंडेमिक नहीं सहन कर पाए. सो हम फ्रेंडशिप से पे वीडियो कॉल कर लेंगे ना यार, ठीक है? बाहर जाके मन रिफ्रेश हो जाता है कुछ. जस्ट कीप ड्रिंकिंग जीरू, इनसाइड रहे या आउटसाइड, इसका सिर्फ लेती रहे, रिफ्रेश रहेगी, ठीक है? लेकिन सवाल तो अभी तक वही है ना, #zeroinside या #zerooutside. कितनी confused है, indecisive कुत्ती. पर गलती तेरी नहीं है, मुझे समझ आ गया है, तू 100% घोड़ी नहीं, गधी है. बाय. अरे सीधा जवाब कोई दे.